संजय राउत बोले अजीत पवार बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, उनका भविष्य एनसीपी के साथ उज्ज्वल, वह भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ उज्ज्वल है, वे भाजपा में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वे भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही उनके गुलाम बनेंगे, हमें पवार पर पूरा भरोसा है, उन्होंने यह बात बुधवार को मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चीजें करेंगे और भाजपा साथ जाएंगे। राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी। 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभिभावक गार्जियन है और हम उनके साथ हैं। कल मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकॉल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रम नहीं है। राउत ने कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का स्वागत करता हूं। विपक्ष के नेता के रूप में हम एक साथ हैं। यह एकजुटता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सभी विपक्ष एक साथ आएंगे और लड़ेंगे। एनसीपी और शिवसेना का महाराष्ट्र का गठबंधन, ये फेविकल का जोड़ है, ये न टूटेगा न झुकेगा, हम सब एक साथ है और रहेंगे। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ नीतीश बाबू का, तेजस्वी जी का, कि आप दिल्ली में आकर खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, उनसे बात आपकी चर्चा शुरू हो गई है, ये अच्छी बात है, विपक्ष के लिए एक अच्छा सकून है, पॉजिटिव थीम है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।